लावा खोगरी थाना क्षेत्र के जंगल महलारी बाकुल के घने जंगल में विगत दिनों एक गर्भवती महिला का शव मिला था, जिसकी सूचना लावा खोगरी थाना पुलिस को ग्रामीणों ने दी थी। सूचना पर छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा पांडुना, एसडीओपी रोहित लखारे, थाना प्रभारी लावा खोगरी रमजू उइके घटना स्थल पर पहुंचे और महिला का शव पीएम हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद छिंदवाड़ा एसपी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम में पांडुना एसडीओपी, लावा खोगरी थाना प्रभारी, सावरी चौकी प्रभारी, नंदनवाड़ी चौकी प्रभारी ने लगातार क्षेत्र में तलाशी कर पूछताछ का मुखबिर तंत्र लगाकर महिला की शिनाख्त की, जिसमें परिजनों ने नाबालिग युवती को सिलेक्ट कर बताया कि वह उनकी बेटी है। परिजनों के द्वारा मिथुन पिता रमेश सकोम निवासी मानई माल पर संदेह बताने पर मुखबिर तंत्र सक्रिय कर पुलिस बल की सहायता से पकड़कर पूछताछ किए, जिसने बताया कि उसके घर के पास रहने वाली नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर पिछले साल रक्षाबंधन से अपने साथ ले जाकर अपने घर में रख रहा था। इसी दौरान गर्भवती हो गई। 20 अप्रैल को दोपहर 3 बजे करीब अपने दोस्त की मोटरसाइकिल पर नाबालिग मृतिका को बिठाकर सलैया महिलारी के जंगल में साथ में ले जाकर साड़ी के पल्लू से गला घोटकर हत्या कर शव को वहीं फेंक कर काम करने नीमढाना बिछुआ तरफ चला गया, जिसकी पतासाजी उपरांत आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने मेडिकल कराकर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। इस पूरी कार्रवाई में मुख्य रूप से एसडीओपी रोहित लखारे, निरीक्षक रमजू उइके, उप निरीक्षक रमेश दुबे, उप निरीक्षक सुंदरलाल पवार, प्रधान आरक्षक प्रदीप प्रधान, आरक्षक संदीप बेली, पंकज भलावी, सागर झेरिया, सुरेंद्र रघुवंशी, संजय सल्लाम, आरक्षक चालक सुरेश शाक्य, आशीष सलामी की रही अहम भूमिका। दिनांक 21 अप्रैल को सावरी चौकी के अंतर्गत जो सलिया वन क्षेत्र आता है, वहाँ पर एक अज्ञात महिला की, गर्भवती महिला की लाश मिली थी। तो इसी तारतम्य में तत्काल टीम का हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गठन किया गया और साइबर सेल और फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड, विभिन्न मतलब ब्रांचेस को भेजकर उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। हमने, हमारी समस्त टीम ने काफ़ी प्रयास किए और काफ़ी प्रयासों के बाद में हमको सफलता मिली है। उमरेड थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो चारढाना गांव आता है, लड़की वहीं की है, लड़का जो आरोपी है वो भी उसी के गांव का रहने वाला है और अभी हमने वर्तमान में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल दाखिल कर दिया है। एक्चुअली वो पति पत्नी नहीं थे, लड़की नाबालिग थी और वो पत्नी के रूप में मतलब लिविन में रह रहे थे एक तरह से। वो लड़की गर्भवती थी और जो आरोपी है उसके अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध थे। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते उसने गला दबाकर साड़ी के पल्लू से गला घोटकर महिला की हत्या कर दी। इसके अंतर्गत आईपीसी की विभिन्न धाराएं जैसे 376 टू एन और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। छिंदवाड़ा से बीसीएन न्यूज़ के लिए गजानन बोरकर की रिपोर्ट।